Zoom Digital Media में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं दमकल केंद्र लिकाबाली और साथ ही साथ स्टेशन प्रभारी से करते हैं जनता की ओर से कुछ सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी सर, मैं तो आया हूँ यहाँ सीधा पब्लिक की तरफ से जो क्वेश्चन होता है ना, जो कॉमन क्वेश्चन होता है आपके सामने लाने। पहला क्वेश्चन है कि आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि पुलिस हमेशा लेट आते हैं ना जी, पर अभी लोगों का कहना है कि फायर स्टेशन या फिर जो फायर टेंडर है वो भी हमेशा एक्सीडेंट के बाद आता है जी, तो उसमें आपका क्या कहना है? ओके, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आया हमको याद किया, मेरा डिपार्टमेंट को याद किया है, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। वैसे हम लोग अवेयरनेस करना ही चाहता है, करता भी है, फिर भी हर घर में नहीं पहुंच पाता है। तो आपके ज़रिए से मैं हमारे जनता और हमारे पब्लिक को ये बताना बहुत अच्छी बात है कि हम जितना मेरा दुख सुख है उसको समझा सकता है। तो आपने बोला है कि आप लेट में आते हैं, ये पहला सवाल, ठीक है। एक्चुअली मैं आपसे और मैं इसका व्यूअर से मैं कहना चाहूँगा, एक्चुअली हम लोग लेट नहीं होता है, लेट कॉलिंग के वजह से होता है। एक्चुअली कई आदमी लोग हम लोग का फ़ोन नंबर को नहीं रखता है, और जब भी फायर कॉल होता है हर कोई फ़ोन नहीं करता है, कम फ़ोन करने का समय भी नहीं मिलता है। वो क्या करता है कि सामान बचाने में बिजी रहता है, क्योंकि वो सामान बचाएगा, जान बचाएगा, माल बचाएगा, इसी में दिक्कत में कोई कोई कॉल करता नहीं। तो उसी बीच में कोई कोई सोचता है फायर वाला नहीं आता है, तो जब तक हम लोग को कॉल नहीं करेंगे तब तक तो हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो जब भी कॉल होता है तो हम लोग हमेशा तैयार में रहते हैं। अभी भी आप स्टेशन में आए देख लीजिएगा, हमारा लड़का सब तैयार में है। जब भी कॉल मिलता है हम लोग तुरंत निकलता है, हम लोग लेट करता नहीं है। ये कम्युनिकेशन का थोड़ा सा गैप की वजह से शायद लेट लगता है। ओके, तो इसका जवाब तो आपने स्पष्ट कर दिया। चलिए अब आपसे एक और सवाल करते हैं जी। ये सवाल भी इससे ही लिंक थे एक्चुअली। ओके, तो लोगों का कहना है कि आप लेट आते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप जब आते हैं तो आपके जो फायर टेंडर में जो टंकी है खाली आते हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? कहने का मतलब बिना पानी में आया है जी। ओके, ये हाँ, ये दोनों सवाल जो है हमेशा मैं जब से नौकरी में तब से सुनते आ रहा हूँ, फायर वाला लेट में आया और बिना पानी का आया। तो मैं आप दोनों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग गाड़ी तो कभी खाली नहीं रखता है, हम लोग को ऐसे ही बनाए कि गाड़ी को पानी भर के रखने के लिए, तो हम लोग का 24 आवर्स फुल रहता है, कभी खाली नहीं होता है। हाँ, आप लोग ये समझते हैं कि हम लोग जब कभी कभार फुल प्रेशर में मरना पड़ता है, उसमें भी प्रेशर सिस्टम है आपका। एज पर बुक्स का किताब के मुताबिक से आपको 3 मिनट या 5 मिनट में गाड़ी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि देखने में गाड़ी भरा ज़रूर है लेकिन बीच में सिर्फ पानी है, तो उसमें हम लोग फुल प्रेशर में मारने से जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसमें लगता है कि आप लोग का जनता लगता है कि पानी नहीं था। आप लोग को मैं निवेदन करता है जनता से भी, एनजीओ से भी, हर एक से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस प्रकार के किसी को अगर दावत है तो एनी टाइम 24 आवर्स आप चेक कर सकते हैं मेरे पायर गाड़ी को। रात का 24 एक दो बजे होने से भी चेक कीजिएगा, हम लोग का हमेशा फुल भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग इसका मिसअंडरस्टैंडिंग को थोड़ा दूर कीजिएगा, कभी खाली नहीं होता है जी। ये तो था आपका कुछ पब्लिक क्वेश्चंस ना। okay. जी, अब हमारे जो यहाँ के लोकल पब्लिक या फिर यहाँ का जो न्यूज़ का व्यूवर्स है वो ये जानना चाहेंगे कि जब एक्सीडेंट होता है या फिर जब एक्सीडेंट के लिए आपको कॉल किया जाता है तो क्या क्या प्रिपरेशन किया जाता है यहाँ पे आपके ऑफिस में? तो आप लोग जो भी कॉल होता है, हम लोग का यहाँ में टेलीफोन भरा हुआ है, और अभी तो हम लोग का ERS बोलता है, इमरजेंसी का, ये इतना और से आपका नेट से कंट्रोलिंग होता है। जब भी पायर कॉल होता है तो उधर से हम लोग को खबर आ जाता है, लेकिन हम लोग फिलहाल फ़ोन रखा है। पहले तो हम लोग का 101 था लेकिन उसको हटा दिया गया, क्योंकि BSNL फंक्शन नहीं है, गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। तो हम लोग खुद मोबाइल एक रखा है, उसको कॉल करना है। और हम लोग का तैयारी, हम लोग का तो हमेशा तैयार में रहता है, लड़का तैयार में है, सामान इक्विपमेंट सब तैयार में है। आप लोग जब भी कॉल करते हैं हम लोग तुरंत निकल जाता है सामान उठा के। तो मतलब आप जब कॉल आता है सब रेडी होकर निकल जाते हैं? हाँ, अंदर रेडी होने का, हाँ सब रेडी में ही है। हाँ, कुछ टाइम लिमिट है क्या सर यहाँ पे? टाइम लिमिट हम लोग का विद इन 2 मिनट्स के अंदर में निकलना है। हाँ, मतलब 2 मिनट के अंदर में कॉल आते ही 2 मिनट में 2 मिनट के अंदर निकलना है ना। जी जी। तो जी मैं पब्लिक की तरफ से पूछ रहा हूँ, पर अभी आपको मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा
कि जब फायर एक्सीडेंट होता है या फिर जब ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है तो पब्लिक का यूजुअली कैसा बिहेवियर रहता है? पब्लिक तो हर किसी को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर तो साथ देता है। कई कई लोग ऐसा है, मतलब डिस्टर्बिंग करता है, सही तरीके से हम लोग को मारने नहीं देता है। मैंने फायर फाइटिंग जहाँ मारना है कैसे मारना है ये तो नॉलेज हम लोग ट्रेनिंग कर चुका है, तो ट्रेनिंग जैसे किया है उस मुताबिक हम लोग मारना पड़ता है। लेकिन पब्लिक जो है हर बराहत में कोई बोलता है मेरा इधर मार दो, मेरा इधर मार दो, खींचातानी करता है, सही ढंग से काम करने देता है। कोई कोई लोग पब्लिक पर है कि ज़बरदस्ती ऐसे कोई हम लोग को ही मारने का ये करने के लिए करता है, लेकिन हर कोई तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर तो साथ देता है, बहुत लोगों साथ देता है, क्योंकि आप और हम मिलके तो काम करने से सही होगा, मिलके नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आपका कहना है कि 100% पब्लिक सपोर्ट नहीं करता? हाँ, 100% तो नहीं है, लेकिन मैं निवेदन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से, जो व्यूवर्स है, प्लीज़ हम लोग आप लोग को बचाने के लिए आता है, आप लोग हमको साथ दीजिए, आप लोग साथ देंगे तभी तो हम लोग सक्सेस कर पाएंगे। आप डिस्टर्ब करेंगे तो उल्टा बर्बाद होगा, नुकसान होगा, क्योंकि समय लॉस होगा आपका डिस्टर्बिंग में। इसमें आपका डिस्टर्बिंग का पब्लिक का अनजान में, जाने अनजान में गलत ये होता है कि इन लोग का रॉन्ग पार्किंग होता है, जैसे कि गाड़ी का जो फायर कॉल हम लोग जाता है उसमें जाने नहीं देता, रॉन्ग पार्किंग कर देता है तो फायर गाड़ी निकलने का रास्ता, और पीछे से गाड़ी साइड मांगता है, इसमें पब्लिक का बहुत दिक्कत देता है। यहाँ पे भी केसेस होते हैं फायर एक्सीडेंट का जी, बहुत ज़्यादा, ये डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इनके मेन कॉसेस क्या होगा और इन मतलब पब्लिक फायर एक्सीडेंट आप लोग प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो? हाँ, मेन कॉजेस तो फायर एक्सीडेंट का वजह तो आजकल का ज़्यादातर तो हम लोग का इलेक्ट्रिक है और आपका गैस है, तो इसका जानकारी कमी का वजह से होता है। फायर एक्सीडेंट तो वो तो आपका आपका केयरलेस से ही होता है, जो भी होता है, जैसे कि दिवाली में होता है, जो पूजा में, और हम लोग का लोकल आदमी का मीट रोस्टिंग में होता है, अपम बनाने में होता है, इसमें होके जल जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक में आपका इतना कम सस्ता वाला वायरिंग डाल देता है, तो उसमें आजकल हर घर में मोबाइल होता है, तो हीटर होता है, फ्रिज होता है, आपका वॉशिंग मशीन होता है, तो एक छोटा सा प्लग का जगह में सारा घुसा देता है, तो उसका ओवरलोडेड होता है, तो इसमें स्पार्क हो जाता है, तो इसमें MCB बोर्ड डाल देना है कि कटआउट सीधा डाउन करने के लिए। और आपका गैस में जानकारी नहीं है, गैस तो आपका पटक से नहीं फूटता है, गैस जब भी लीक, गैस ऐसी चीज़ है कि आप छोटा सा आग को भी पकड़ लेता है, तो इसमें दर से आदमी भाग के निकल जाता है, इसमें भागने का ज़रूरत नहीं है, आपका सर्टेन टाइम तक वो नहीं फूटेगा, तो बाहर से अगर हीट नहीं मिलते तो उसको सिलेंडर को आपको बुझाने का अगर तरीका जानेंगे तो नहीं जलेंगे। फिर इसके प्रिकॉशन के लिए, इसके प्रिवेंटिव के लिए हम लोग ने लिकावली फायर सर्विस और अरुणाचल फायर सर्विस कोर्स है, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस दे रहा है घर घर में, घर घर में तो नहीं कर पाएंगे, सारा बस्ती में जाके, फील्ड में जाके, स्कूल में जाके लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं इसका अवेयरनेस को, तो जनरल फील्ड में भी दिया है। मेरा तरफ से तो आपको मैं जस्ट हाल अभी मैं लकीली अनलकीली मेरा हाथ में मेरा अवेयरनेस का शर्त है, मैं कुल मिलाकर अभी तक जब से मैं यहाँ ये मैं अरुणाचल फायर सर्विस में है सारा 40-50 अवेयरनेस कर चुका है, बस्ती बस्ती में जाके, लिकावली में भी आने का साथ साथ आपका 10-12 अवेयरनेस कर चुका है, तो जो जो जान गया है वो तो इन लोग अपना घर को बचा रहा है बहुत सुंदर से जी। तब तो लगे हाँ ये पूछ ही लेते हैं कि जी जी या आपका सबसे नज़दीकी फायर यहाँ से फायर स्टेशन आपका सबसे नज़दीकी है आपका आसाम ना जी जी जो शायद सिलापतार में है जी, या जी। फिर MEA में तो फिर उनसे आपका रिलेशन कैसा है आपके डिपार्टमेंट का? ओके, थैंक यू सो मच। ये हम लोग का फायर डिपार्टमेंट का फायर सर्विस का मकसद ही है आपका, इसका मोटोस है कि आपका टू सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है, तो हम असम नहीं देखते, अरुणाचल नहीं देखते, किसी इंसान का जात पात नहीं देखते, तो हम लोग का सिलापतार फायर OC भी बहुत बढ़िया है, तो हमने जाके मिला, उन लोगों ने भी हमको बुलाया, इन लोगों ने वो लोग भी मेरा यहाँ में आए, तो हम लोग से डिस्कशन करके हम लोग जॉइंटली अगर काम करने से ठीक है बोल के, तो हम लोग अभी सिलापतार का जब भी फायर कॉल होता है तब भी हम लोग भी जाता है, और यहाँ में फायर कॉल ग्रीन वैली में जब स्कूल में आग जलाता तब भी सिलापतार आए थे, तो हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध है,
तो इन लोग का दो गाड़ी है, हम लोग का दो गाड़ी है, तो हम लोग हमेशा अभी ये गिन के चलते हैं कि चार गाड़ी है हम लोग का मिल के काम करने के लिए। बढ़िया। आपको आपको एक सवाल पूछना था, मतलब एक पब्लिक पर्सपेक्टिव से, मतलब आखिरी सवाल से पहले एक सवाल पूछता हूँ। जरूर जरूर। एक मिथ है कि हम भी बचपन से सुनते आ रहे कि जब घर में गैस का थोड़ा सा स्मेल आता है तो सब डर जाते हैं ना, तो ये गैस जो एलपीजी गैस है इसका मतलब कैसा है, थोड़ा समझा सकेंगे? जो लीक सिस्टम है, इसका जो ब्लास्ट सिस्टम है, इसको आप ज़रा समझा सकेंगे? हाँ, इसका मैं ये एक्चुअली डेमो में दिखाने से ज़्यादा अच्छा था, फिर भी ये नहीं। एलपीजी तो ऐसे आपका आप लाइटर को भी जला के देखिएगा, लाइटर में हल्का सा तक मारने से वो एलपीजी को पकड़ता है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक स्विच का उसे भी। लेकिन एलपीजी यहाँ में सपोज मान लीजिएगा इसमें लीक होने से भी वो कभी नहीं ये ब्रस्ट होगा। इसका शर्त यहाँ से बाहर से उसको जब हीट मिलेगा उसका कम्बस्टेबल में उसको भरेगा, उसका एक्सपर्ट होगा। ये तो लिक्विड है, जब हीट मिलता है वो तो गैस में बनता है, तो गैस एक्सपर्ट हो जाता है। जब यहाँ से हीट मिलता है तो एक्सपर्ट होकर फूट जाता है, लेकिन यहाँ से लीक होगा आपका। आप इसको कूलिंग करते रहने से दो तीन दिन जब तक जल के ख़त्म नहीं होगा तब तक भी ब्रश नहीं होगा, तो बाहर रखने से भी नहीं। इसलिए आप लोग जब भी गैस लीक हो जाता है भागना नहीं है। आप सभी से व्यूअर से मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी गैस लीक होता है सीधा तुरंत जाके कोई बात नहीं, आप डरना नहीं, हाथ से जाके पकड़ के बाहर कर दीजिएगा ओपन एरिया में। तो आप कंबल लेके, मैं उसको दिखाता रहता हूँ, बाकेट से भी आप बंद कर सकता है, उसको एयर कटअप करना है। एयर नहीं मिलेगा तो बुझ जाएंगे, तो इसको एयर कटअप करने के लिए बाकेट से इसको बंद कर देना है, या फिर कपड़ा भिजा के उसको बंद कर देना है। नहीं बुझे, आप डरने का बिल्कुल नहीं है इसमें जी। तब तो मैं आज आपको एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा जी, आपके ऊपर जी। आप लिकाबाली के ही रहने वाले निवासी हैं जी। जी, आपका पोस्टिंग यहाँ पे ही हुआ है, आप यहाँ के लोकल हैं ना जी। जी, तो ये जो लिकाबाली का जो फायर स्टेशन है या फिर लिकाबाली का जो फायर डिपार्टमेंट है जी, इसको बेहतर करने के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं? हाँ, ये एक वैसे तो लोकल निवासी नहीं होने से भी मेरा तो सोच है कि मैं फायर डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ हूँ, तो फायर डिपार्टमेंट का हित के लिए काम करना चाहिए। और मैं बहुत खुशकिस्मत है कि मैं फायर डिपार्टमेंट में आया, तो लकीली लिकाबली में फिर ट्रांसफ़र हुआ, तो मेरा काम बनता है कि सेवा करे। और जब फायर डिपार्टमेंट नाम होगा, इज्जत होगा, तभी हम लोग आगे कार्रवाई कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने लिकाबली को पब्लिक के रिलेशन बनाने के लिए और सुंदर ढंग से इसको चलाने के लिए, मैंने इसका आप देख ही रहा है बाहर अंदर तो सुंदर से। सबसे पहले तो मैं जब आया था एक ही फायर टेंडर था छोटा वाला, 2500 लीटर का कैपेसिटी का ये फायर टेंडर था छोटा, तो एक छोटा गाड़ी में फायर पैथिंग करने में दिक्कत होता है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा फायर एसपी से इतना रमील बुनिया साहब से, अभी वो चला गया है, उनको मैं बार बार टेलीफोनिंग में भी लेटर में भी रिक्वेस्ट करके यहाँ में बुलाया लिकाबली में, और लिकाबली के एसपी को यहाँ में बुलाया, तो मैं रिप्रेजेंटेशन दिया एक गाड़ी से नहीं चल पाएंगे बोल के। तो बड़ा गाड़ी ज़बरदस्ती मांग के सर ने मेरा बिनती कंडीशन देख के सुन के एक बड़ा गाड़ी दिया है। तो फिर इस गाड़ी को मैंने बचाने के लिए विदाउट फंड में हमने गैरेज बनाया, आप बाहर में बाद में देख सकते हैं। तो गैरेज एक्चुअली वो विदाउट फंड से हमने बनाया। तो हम लोग जब हम पहले आए थे तो उसमें आपका डंपिंग एरिया था, इसके लिए मैं लिकाबली का जनता स्पेशली मैं हमारे आयो क्या था उसका हमारे डीएसपी सर मोदक थे पुद्याका मैडम जी से भी धन्यवाद देता हूँ, और उनसे जाचक बुचे से भी, क्योंकि मेरा ये पूरा फ्लादित एरिया था, पूरा पानी से भरा हुआ था। तो मैदान ने हमको जेसीबी दिया, डंपर दिया इसको, और गामबुरा लोगों ने साथ दिया, दोनिया ताइपुदिया मोगलुक भी, और जाचक बुची बालू दिया, ऐसे करके हमने बहुत सुंदर आगे बना दिया है। तो वही कोशिश कर रहा हूँ कि लिकाबाली का फायर सर्विस सुंदर हो और पब्लिक का काम आए। और जितना भी इक्विपमेंट से आप ये देख रहे हैं, ये फायर बॉम है, ये जहाँ में रूम में अगर आग लगता है तो इसको अगर आप बुझ नहीं सकते हैं तो आप घर में भी रख सकते हैं, इसको रूम में फेंक देने से ये ब्रस्ट होके आपका रूम का आग बुझ जाएगा, इस टाइप का है ये मैनेज हो गया। आपका ये है आपका
ये है स्मोक डिटेक्टर, आपको छत में ऐसे रख देना है रूप में, ये में सीलिंग में, तो जब टू मच हीट होगा रूम में कुछ होगा तो यहाँ में धुआं घुस के हीट मिलने से ये सिग्नल देता है टी 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 बोल के ना, तब मालूम हो जाता है। तो इस टाइप का बहुत सा इक्विपमेंट मैनेज किया है, कोशिश किया है जी। शुक्रिया। तो क्या आप ऑफिस टूर कराना चाहेंगे? जी जी जरूर जरूर, चलिए देखते हैं हमारे ऑफिस को। ये हमारा ये 4500 लीटर्स का है, इसमें आपका कैपेसिटी और इसका ये बहुत बढ़िया है आपका पैर पैथिंग करने के लिए भी, और छोटा मोटा में तो ये कम पड़ जाता है, तो इसका प्रेशर भी बहुत बढ़िया है, इसका हम लोग फोम भी यूज़ कर सकता है, आपका ऊपर में मॉनिटर भी यूज़ कर सकता है। तो ये है हम लोग का एक बड़ा सा, तो इसको बचाने के लिए भी हमने गैरेज बनाया। आप फिलहाल अभी जो मैं बताया ये छोटा गैरेज जो पहले आया था, तो ये तो एक्चुअली सैनिटाइजिंग के लिए हम लोग का कोरोना का टाइम में दिया गया था बोलेरो, लेकिन इसका फायर पैथिंग में इतना काम नहीं, ये उल्टा बदनाम देंगे, तो ये सैनिटाइजिंग के लिए था। ये दोनों गाड़ी एक्चुअली हम लोग का यूज़ में है, और साथ में हम लोग का शिलापत्थर वाला मदद करते हैं, तो कुल मिलाकर गाड़ी का ये तो है। तो चलिए हम देखते हैं स्टोर को, स्टोर और द्वितीय रूम को हमारा लड़का। तो चलिए आइए सर, ये है आपका इक्विपमेंट्स हमारा है, आप देखिए आइएगा। तो यहाँ में हम लोग का सब कुछ इक्विपमेंट भरा हुआ है। ये हमारा ये लाइफ जैकेट है जो सिंकिंग होने से आपका पानी में डूबने से इसको पहन के जा सकते हैं, बचाने के लिए भी खुद भी बचने के लिए भी। ये हम लोग का लाइफ जैकेट है इम्प्रोवाइज मेथड। ये है सब एक्सटिंग्विशर वगैरह है, ये आपका चेन सो, ये भी आपका घास गिरने से कटने के लिए है। हम लोग का ये रोड कटर है, मतलब बहुत कुछ है। ये हमारा पायर पैकिंग इक्विपमेंट्स है, ये सब आपका ये पाइप वगैरह है सब कुछ, ये रस्सी वगैरह रेस्क्यू करने के लिए, ये फोम है, ये का ऑयल फायर के लिए है हम लोग का, मैंने जितना बनता है कोशिश किया है। चले द्वितीय रूम भी देख लेते हैं हमारा लड़का। तो ये हमारा हेलमेट्स, हेलमेट्स को हम जब भी निकलते हैं तो यहाँ से एक एक करके लेके तुरंत निकलेंगे, तो घर घर में रखने की ज़रूरत नहीं है। सर टोटल स्ट्रेंथ कितना है आपके यहाँ? हमारा फिलहाल 14 है, छोटा है केवल, हमारा ये साफ फायर स्टेशन है, फुल फायर स्टेशन नहीं है, तो इसलिए कम है, 14 ही है। यहाँ का फुल फायर ऑफिस कहाँ पे है, मतलब फुल फायर ऑफिस सामने, सबसे सामने यहाँ से नज़दीक फायर जी जी आपका ये सब वो है ना ऑफिस है ना? हाँ। तो एक्चुअली पहले हम लोग वेस्ट सियांग के अंदर में आता था, ये लोअर सियांग बन गया, तो हम लोग का एक्चुअली वेस्ट सियांग में आने से आलो का वो जो है फायर स्टेशन होता है, तो साफ फायर स्टेशन ये होता है, लेकिन अभी लोअर सियांग आ गया तो ये हम लोग साफ अभी तक ये अपग्रेड नहीं हुआ है, तो स्टिल इसमें है, लेकिन हमने MLA साहब से भी बात किया है, इधर पर भी बात किया है, इसको अपग्रेड करना है बोल के फायर स्टेशन को ऊपर और लेके जाना, तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, सामान भी बढ़ जाएंगे जी जी। तो हम लोग का ये भी ये मोटर है पानी खींचने के लिए, जहाँ में हम लोग गाड़ी भी नहीं जा सकते, तो जहाँ में दिक्कत होगा तो नदी से पानी खींचने के लिए, तालाब से भी पानी खींचने। लड़का लोग का ड्यूटी रूम है, तो टाइम पास के लिए आपका टीवी रखा है, सोने के लिए ये रखा है, और यहाँ में बगल में हमारा ड्राइवर लोग सोया है, कपड़ा वगैरह सब यही टांग के रखा है डिटेल, और मेरा लड़का लोग का क्वार्टर सामने में 10-20 कदम का दूरी में है, इसलिए हम लोग ने ज़्यादा बिस्तर नहीं डाला है, बिस्तर है। तो हम लोग का ये इमरजेंसी लाइट है, रात को फायर पैथिंग करते समय यूज़ करने के लिए, ये भी इमरजेंसी लाइट है आपका। हम लोग सेल्फ ये मोबाइल अरेंज किया है, गवर्नमेंट का तरफ से नहीं मिल पाया तो हम लोग अरेंज किया है, हालांकि वो तो बिल पास हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से। और ये टैबलेट है, हम लोग का यहाँ से मोनिटर होता है फायर पैथिंग का इशू के बारे में, ये इतना और से डायरेक्ट मोनिटर चलता है, तो यहाँ में कहाँ में आग लगी है उधर से कवर आ जाएगा, नेट पर आ जाएगा। सर वैसे आपका नंबर क्या है फायर ऑफिशियल? इसका आजकल मोबाइल का ज़माना है, दिमाग में याद नहीं करता है। चलिए फिर भी व्यूअर्स और आप लोग के लिए मैं बताना चाहूँगा नंबर को, फायर स्टेशन, हाँ अच्छा सुनिएगा, फायर स्टेशन का 6900853745, फिर से सुनिएगा 6900853745, ये लिखा फायर स्टेशन जी।